हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी आई होप कि सभी अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वीक नंबर ट्वेल्व की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट एट अप्रैल टू के लिए है जिसकी थीम है सेव्स अराउंड अस टॉपिक है आइए आकृतियाँ ढूंढ गिने सीना और मीना को चित्रकला का बहुत शौक है वे दोनों प्रतिदिन कोई चित्र बनाकर उससे संबंधित बातचीत करती हैं आज भी उन्होंने कुछ चित्र बनाए हैं आइए उनके बने चित्रों को देखें तो यहाँ पर यह है सीना का चित्र सीना ने मीना से अपने चित्र में अलग अलग आकृतियों को गिनने के लिए कहा आइए आप भी आकृतियाँ पहचान कर उन्हें गिनने में मीना की मदद कीजिए तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बताने हैं कि इस आकृति में ट्राइंगल यानी कि त्रिकोण कितने हैं तो कितने हैं काउंट कर लेंगे इसमें बच्चों ट्वेंटी थ्री त्रिकोण हैं तो किस तरीके से गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस तो कितने इसमें त्रिकोण है तेईस तो यहाँ पर लिखेंगे तेईस अब नेक्स्ट है व्रत इसमें व्रत कितने यानी कि गोले कितने हैं तो अब देखेंगे पर व्रत कितने हैं एक दो तीन चार पांच यहां पर बच्चे क्या है गोले हैं छः सात आठ नौ तो यहां पर व्रत है नौ तो यहाँ पर लिखेंगे नौ बच्चे यहाँ पर ये जो है ये गोले हैं गोला कैसा होता है गोल और जो अंडाकार होता है वो अंडे की सेप का होता है तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या है ये गोले हैं तो इस तरीके से इसमें व्रत नौ हैं नेक्स्ट है अंडाकार अब बताने हैं कि यहाँ पर ओवल कितने हैं तो काउंट कर लेंगे ओवल कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह तो इसमें ओवल कितने हैं चौदह तो यहाँ पर लिखेंगे चौदह अब नेक्स्ट है वर्ग यानी कि स्क्वायर कितने हैं तो यहाँ पर देखेंगे वर्ग कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छ यहाँ पर है सात आठ उसके बाद नौ दस ग्यारह बारह ऐसे ही तेरह चौदह इन दो को मिलाकर और यहाँ पर पंद्रह तो इसमें कितने स्क्वायर है? हैं इसमें है पंद्रह तो यहाँ पर लिखेंगे पंद्रह अब नेक्स्ट है आयत यहाँ पर आयत कितने हैं तो सबसे पहले देखेंगे एक उसके बाद है यहाँ पर दो फिर यहाँ पर नेक्स्ट है ऐसे ही तीन फिर है चार पाँच और छः फिर यहां पर देखेंगे सात आठ नौ दस अब नेक्स्ट है ग्यारह और बारह तो इस टावर में कितने हैं बारह हैं तो इतने ही कहाँ हो गए इसमें हो गए बारह बारह दूनी चौबीस अब यहां पर देखेंगे पच्चीस फिर है छब्बीस उसके बाद ये पूरा होगा सत्ताईस फिर उसके बाद यहां देखेंगे अट्ठाईस उनतीस फिर यहाँ पर देखेंगे तीस इतना ले लेंगे उसके बाद फिर इधर से इकतीस फिर बीच में लेंगे बत्तीस फिर यहाँ पर है तैतीस उसके बाद चौंतीस फिर यहाँ पर पैंतीस छत्तीस उसके बाद यहां पर है सैतीस फिर यहां पर अड़तीस उसके बाद यहां है उनतालीस और फिर यहां पर होगा चालीस अब नेक्स्ट है डायमंड कितने हैं तो यहां पर डायमंड कितने हैं? एक दो तीन चार पांच छ सात आठ तो यहां पर लिखेंगे आठ अब नेक्स्ट है मीना के चित्र सीना ने मीना से अपने चित्र में वर्गों और त्रिकोणों की संख्या गिनने के लिए कहा है आप भी सीना के साथ आकृतियाँ गिनें तो यहाँ पर वर्ग कितने हैं काउंट कर लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ उसके बाद दस ग्यारह बारह तेरह और पूरा हो गया चौदह तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी है चौदह है। तो यहां पर लिखेंगे चौदह अब नेक्स्ट है यहां पर त्रिकोणों की संख्या कितनी है इस आकृति में तो यहां पर काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच फिर पूरी छः सात आठ नौ उसके बाद दस ग्यारह बारह और तेरह उसके बाद यहां पर देखेंगे चौदह पंद्रह सोलह अब यहाँ पर है सत्रह उसके बाद ये यह यहाँ पर है अट्ठारह फिर यहाँ पर होगा उन्नीस और ये यह है यहाँ पर बीस तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं कितने त्रिकोण हैं बीस तो यहाँ पर लिखेंगे बीस अब इस तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको आकृतियों को गिनना है और यहाँ पर लिखना है तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर लेंगे इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वर्कशीट के साथ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू